हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड आप सभी लोगों का स्वागत है अमरजीत क्लासेस में। तो आज मैं क्लास लेकर आया हूँ भारतीय अनुच्छेद एवं व्याख्या, क्लास टू के अंतर्गत होगा। क्लास वन मैंने इससे पहले करा दिया है। तो गाइस, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाता रहे। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, मैंने इससे पहले वाली क्लास में 10 तक अनुच्छेद करा दिया है, आज 10 की बात करूंगा 11 से। ठीक है गाइस, 11 में चलिए, अनुच्छेद 11 में क्या है उसे बताता हूँ। अनुच्छेद 11 में है संसद द्वारा नागरिकों के लिए कानून बनाना। संसद द्वारा नागरिकों के लिए कानून बनाना, ये है 11 में। आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में है। आर्टिकल 13 की मैं बात करूं तो आर्टिकल 13 में क्या है गाइस, कि मूल अधिकारों, जो मूल अधिकार होते हैं, मूल अधिकारों का अल्पीकरण करना। 14 में है विधि के समक्ष क्षमता, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा गाइस कि विधि के समक्ष क्षमता, ये अधिकतर लोगों को याद होता है आर्टिकल 14 की बात है ना, आर्टिकल 14 में ये चीज हो जाती है। अब मैं बात करूं आर्टिकल 15 की, तो आर्टिकल 15 में ऐसा क्या चीज है, आर्टिकल 15 में देखिए क्या क्या चीज होता है। जन्म, वंश, जाति एवं जन्म स्थान, एवं जन्म स्थान के लिए किसी भी लोगों से हम घृणा नहीं कर सकते हैं, छुआछूत की भावना नहीं कर सकते हैं, इस पर रोक है, इस पर रोक है, वो आर्टिकल 15 में कहा गया है। आर्टिकल 15 में हमको जातिवाद नहीं करनी है, ऊंच नीच की भावना अपने मन में नहीं रखनी है, ये आर्टिकल 15 कहता है। तो आपको समझ में आया गाइस आर्टिकल 15 में क्या है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 16 की मैं बात करूँ, तो आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर, लोक नियोजन में अवसर, ये होता है आर्टिकल 16 में, लोक नियोजन में अवसर, ये था। अब आर्टिकल 17 बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अधिकतर लोगों को याद रहता है, आई होप कि आप लोगों को भी याद होनी चाहिए। आर्टिकल 17 में होता है अस्पदृश्यता होती है आर्टिकल 17 में, जिसको हम लोग इंग्लिश में अनटचबिलिटी भी कहते हैं। तो ये आर्टिकल 17 की बात थी, आर्टिकल 17 में अधिकतर लोगों को जानकारी होती ही है। अब आता है आर्टिकल 18 की बात, तो आर्टिकल 18 में होता है गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि आर्टिकल 18 बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। इसमें क्या होता है, उपाधियों का अंत, इसमें होता है उपाधियों का अंत। बातें समझ में आ रही हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आर्टिकल 18 की ये उपाधियों का अंत। अब आर्टिकल 19 देखिए, आर्टिकल 19 दो चीज़ का, एक आर्टिकल 19 में एक ए होता है, इस आर्टिकल 19 के ए में सूचना का अधिकार है, आर्टिकल 19 के ए में होता है सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको हम लोग आरटीआई कहते हैं। आरटीआई की स्थापना बता दूं 2005 में हुआ था राजस्थान में, राजस्थान राज्य में हुआ था 2005 में, ये बातें आप लोग याद रखिएगा। आरटीआई की स्थापना हुआ था 2005 में, राजस्थान में हुआ था पहली बार, और इसके ये जो है आर्टिकल 19 के ए में आता है। अब उसके बाद मैं बात करूँ आर्टिकल 19 की, तो आर्टिकल 19 में क्या होता है, अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता, लिख दे रहा हूँ, अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता,
अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 की बातें थी। आर्टिकल 19 दो में, आर्टिकल 19 ए होता है, एक आर्टिकल 19 सिर्फ 19 होता है, तो दोनों की बात अलग अलग कही गई है। हाँ चलिए अब आर्टिकल 20 की बात करूँ, तो आर्टिकल 20 में होता है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण होता है, अपराधों के दोष संबंध में संरक्षण, संरक्षण ये आर्टिकल 20 में कहा गया है कि अपराधों के दोष संबंध में संरक्षण, अगर आप कोई अपराध करते हैं तो आप दोषी हैं कि नहीं है उसके प्रति आपका क्या संरक्षण होगा, है ना। न्यायपालिका में इसके चर्चा जो है वो आर्टिकल 20 में किया गया है। तो ये था गाइस आज का हमारे लोगों का क्लास जो मैंने आप लोगों को बताया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।